गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, नाउ वी विल डू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन करेंगे. द थर्ड टाइप ऑफ कंजक्शन इज कोरिलेटिव, यू कैन से कोरिलेटिव और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंजक्शन. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन. कोरिलेटिव कंजक्शन अपीयर्स इन पेयर और इन अ ग्रुप. ठीक है, जो कोरिलेटिव कंजक्शन है दे विल कम इन पेयर्स. पेयर्स में आएंगे यानी कि दो के ग्रुप में आएंगे, दो वर्ड्स के ग्रुप में आएंगे जो कोरिलेटिव कंजक्शन है, लाइक सच एज नीदर नॉर, ईदर और. ठीक है, नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज. ठीक है, एज सून एज, एज पॉसिबल, इस तरीके से आएंगे. एंड एक्सप्रेस कोरिलेशन. और एक तो ये पेयर्स में आएंगे और दूसरे कोरिलेशन मींस उनके बीच में जो रिलेशन, कोरिलेशन एक दूसरे के साथ जो सह संबंध है बिटवीन एलिमेंट्स दैट दे जॉइन, और वो उसको शो करेंगे, जो एलिमेंट्स जो दो सेंटेंसेस के बीच में जो रिलेशन है जिसको वो जोड़ रहे हैं उसको शो करेंगे. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंजक्शन, और इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स कंजक्शन भी बोलते हैं और इनको हम कोरिलेटिव कंजक्शंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, आगे है कोरिलेटिव कंजक्शंस आर ऑफ टू टाइप. जो कोरिलेटिव कंजक्शन है बेटा वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन. ठीक है, एंड कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस. एडिशन कौन सा होगा बेटा, कि अगर हमारे सेंटेंस में हमने कुछ ऐड किया है. ठीक है, अगर हम अपने सेंटेंस में कुछ ऐड कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, सिमिलर टाइप की इन्फॉर्मेशन बेटा हम ऐड करेंगे, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो हम वहाँ पर कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन का यूज़ करेंगे, यानी कि जो वर्ड्स उसके अंदर आते हैं वो. अगर हमारा चॉइस है मींस हमें दो ऑप्शन मिले हैं, दोनों में से हमें किसी एक ने को चुनना है, तभी हम कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस का यूज़ करेंगे. ओके, जस्ट सबसे पहले है कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ एडिशन. एज वेल एज, सबसे पहला है एज वेल एज. देखो पेयर में ही है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ही है, पेयर नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है. जैसे कि रीता, एज वेल एज हर फैमिली, रीता और उसकी तरह ही उसकी जो फैमिली है इज़ इनवाइटेड फॉर पार्टिसिपेशन इन द इवेंट. रीता और उसकी फैमिली को, ठीक है, रीता और उसकी फैमिली को, एज वेल एज हर फैमिली, ठीक है, इंक्लूडिंग हर फैमिली को कहाँ पे बुलाया गया था, इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए. उसके बाद बोथ एंड एंड, बोथ जहाँ पर आपके दो नाउंस का यूज़ हुआ हो. ठीक है, बोथ राम और उनके बीच में राम एंड श्याम को अलग करने के लिए, ठीक है, जॉइन उनको फिर जॉइन करने के लिए, बोथ राम एंड श्याम. और आप अगर यहाँ पर बोथ, अगर यहाँ पर हम कोरिलेटिव कंजक्शन आप अगर आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा तो आप बोथ राम एंड श्याम. अगर आपको सिर्फ कंजक्शन फिल करने के लिए, आपको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा, देन यू यूज़ ओनली एंड हेयर. इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोरिलेटिव कंजक्शन होगा बेटा देन यू यूज़ बोथ और एंड. अगर सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भरने के लिए बोला जाएगा आप, तब उस टाइम पे सिर्फ एंड का यूज़ करेंगे. ओके, बोथ राम एंड श्याम आर नॉटी इंडीड. वास्तव में जो राम और श्याम दोनों ही नॉटी हैं, शरारती हैं. ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगेन कोरिलेटिव कंजक्शन है. देखो पेयर्स में आया हुआ है. स्पीड ड्राइविंग इज़ नॉट ओनली रिस्की. जो स्पीड ड्राइविंग है, हम जो गति से गाड़ी चलाते हैं तेजी से, इज़ नॉट ओनली रिस्की, वो केवल रिस्की ही नहीं है बट, लेकिन कैन ऑल्सो बी फैटल, बल्कि बहुत ही भयानक हो सकता है. फैटल होता है भयानक. ओके, तो ना वो केवल रिस्की ही नहीं है बट ऑल्सो फैटल, बड़ा ही भयानक हो सकता है. इसके बाद है नो सूनर देन, नो सूनर डिड आई बिगिन टू ड्राइव देन इट बिगिन टू स्नो. जितने मतलब जैसे ही मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, नो सूनर, जितनी जल्दी मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तभी क्या हुआ, इट बिगिन टू स्नो. ओके, इसके बाद है अगर हमने ऐड करना है कुछ, ठीक है, तभी हम कंजक्शन ऑफ एडिशन का यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास चॉइस है देन वी यूज कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस. ओके, जैसे ईदर और है, ईदर और में बेटा आप पॉजिटिव वे में, ईदर और का यूज आप पॉजिटिव वे में करेंगे. ठीक है, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे ध्यान से सुनना, आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से आपने एक को चूज करना ही करना है. ठीक है, यू कैन गो
ईदर गो टू जयपुर और उदयपुर फॉर वेकेशन, कि आप जयपुर भी जा सकते हो और आप उदयपुर भी जा सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप दोनों में से कहीं एक जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आता है नीदर, नीदर नॉर, ठीक है, ईदर के साथ आप और का यूज़ करेंगे और नीदर के साथ आप नॉर का यूज़ करेंगे। यू कैन नीदर गो टू जयपुर और नॉर उदयपुर फॉर अ वेकेशन, यानी कि ना तो आप जयपुर जा सकते हो, ठीक है, और ना ही आप उदयपुर। इसका मतलब ये है, जो ईदर और है वो आपको पॉजिटिव वे में लेना है और जो नीदर नॉर है बेटा वो आपको नेगेटिव वे में लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, द पिज़्ज़ा इज़ नीदर फ्रेश नॉर टेस्टी, जो पिज़्ज़ा था ना तो वो फ्रेश था और ना ही वो टेस्टी था, ओके। तो देखो नेगेटिव ही में, ना तो वो फ्रेश था, ताज़ा था और ना ही वो टेस्टी था। इसके बाद है वेदर और, वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, चाहे आप मेरे से एग्री हो या ना हो, वेदर यू एग्री विद मी और नॉट, चाहे आप मेरे से एग्री हो या ना हो, माई डिसीजन इज फाइनल, जो मेरा डिसीजन है, जो मेरा फैसला है वो फाइनल है, ओके। तो यहाँ पर आपका ईदर और, नीदर नॉर और वेदर एंड, जहाँ वेदर और जहाँ पर आपको चॉइस मिले वहाँ पर आप इन कोरिलेटिव कंजक्शन ऑफ चॉइस का भरेंगे, और जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि बोथ और एंड, अगर आपका कोरिलेटिव कंजक्शन भरने के लिए बोल दिया जाएगा तभी आप बोथ और एंड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भरने के लिए बोलेंगे तभी आप वहाँ पर सिर्फ एंड का यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा कोरिलेटिव लास्ट पार्ट कोरिलेटिव कंजक्शन वाला। अब इसके एक्सरसाइज देखते हैं बेटे। कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग सुइटेबल कोरिलेटिव कंजक्शन, ओके। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपने कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ करना है। आई लाइक टू प्ले सॉसर, माई सिस्टर लाइक्स टू प्ले सॉसर, ठीक है। आई एज वेल एज माई सिस्टर, ठीक है। आई, एक मिनट, यहाँ पर हमेशा फर्स्ट पर्सन बाद में आता है बेटा, तो आप यहाँ पर ये गलत लिखा है। हाँ जी, आप इसको ऐसे लिखेंगे, माई सिस्टर एज वेल एज आई, ओके। क्योंकि बेटा जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा बाद में होता है, ये एक रूल होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से माई सिस्टर एज वेल एज आई लाइक टू प्ले सॉसर, ओके। उसके बाद है द मैन डिड नॉट लाई, द मैन डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, द मैन नीदर लाइट, द मैन डिड नॉट, हट जाएगा बेटा यहाँ से, क्योंकि हमने नेगेटिव फॉर्म में कि जो आदमी है उसने ना तो झूठ बोला और ना ही अपने डिसीजन को चेंज किया, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे, नीदर नॉर का मैंने आपको बताया था। द मैन नीदर लाइट नॉर चेंज हिज डिसीजन, नॉर चेंज्ड हिज डिसीजन, ओके। योर कीज कुड बी इन ड्रॉर, जो आपकी चाबी है वो ड्रॉर में हो सकती हैं, दे वुड बी अंडर द बेड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, योर कीज कुड ईदर बी इन द ड्रॉर, योर कीज कुड ईदर बी इन द ड्रॉर और अंडर द बेड, ओके। द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी वॉज अनइम्प्रेसिव, द स्टोरी वॉज बोरिंग, द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी was unimpressive and story was boring. एक मिनट, इस ये बनेगा हमारा, ओके। हम इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज कर सकते हैं। द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी नॉट ओनली, नॉट ओनली अनइम्प्रेसिव बट स्टोरी वॉज ऑल्सो बोरिंग, ओके। हम यहाँ पर ये कोरिलेटिव कंजक्शन भी भर सकते हैं, हम इसमें बोथ और एंड वाला भी कर सकते हैं, बोथ और एंड वाला नहीं होगा, ठीक है, हम यहाँ पर ये फिल कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ वाला, ही ड्रीम्स ऑफ विनिंग अ मेडल इन ओलंपिक, उसका सपना क्या है, ओलंपिक में मेडल जीतने का। ही एस्पायर टू ब्रिंग फेम टू द कंट्री, और वो क्या चाहता है, हमारी जो हमारी कंट्री है उसमें फेम, उसमें उसको फेमस बनाना चाहता है, ठीक है। ही नॉट ओनली ड्रीम्स
of winning a medal in Olympic but also aspire to bring fame to the country. Okay, last one, to be able to face your fear you need to be physically fit, you must be mentally. To be able to face your fear you need to be both physically fit and mentally. देखो both और and वाला हमने conjunction यहाँ पे use किया है. To be able to face your fear you need to be both physically fit and mentally. तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज. आई होप आप लोगों को ये जो कंजक्शन वाला चैप्टर है ये समझ में आया होगा अच्छे से. और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी पर्सनली बेटा, ठीक है? या फिर आप हमारी जूम क्लास होगी तो हम उसमें आपके जो डाउट सेशन रखेंगे इस कंजक्शन से रिलेटेड. अगर किसी को कोई भी किसी भी पार्ट में रिगार्डिंग किसी भी पार्ट के रिगार्डिंग अगर इशू है कोई डाउट है तो हम उसको उस टाइम पे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो को देखेंगे और जो भी अगर कोई दिक्कत है इन तीनों में तो आप वो पूछ सकते हैं और अपने एक्सरसाइज साथ के साथ फिल करेंगे भाई. थैंक यू सेवन्थ क्लास.